जिले के एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने शनिवार को वीडियो जारी कर बताया कि 14 से 16 अप्रैल तक जनपद में पंचायत चुनाव एवं चुनाव प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न थानों में 28 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 266 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी ने बताया कि धरपकड़ अभियान के तहत 76 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं तथा 190 अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर और रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनपद में कानून तोड़ने के बाद कोई भी अपराधी नहीं बचेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने बताया, जनपद गोरखपुर में 14, 15 एवं 16 तारीख में चुनाव एवं चुनाव प्रक्रिया से संबंधित जो भी घटनाएं हुई है उस सब में अलग अलग थानों में मुकदमा लिखा गया है। कुल 28 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 266 अभियुक्त नामजद किए गए हैं और कुछ लोग अज्ञात भी उसमें एफआईआर में हैं। इसमें धरपकड़ अभियान चलाया गया है, जिसमें आज के डेट में 76 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं, उसमें 56 मुलजिम जो है गिरफ्तार किए गए हैं, कुछ लोगों को 41 जोन की नोटिस दिया गया है, बाकी 190 मुलजिमानों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। अलग अलग टीम गठित करके लगातार धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इनके खिलाफ एनएसए एवं गैंगस्टर की तरह भी कार्रवाई करने हैं तो मेरे द्वारा अधीनस्थों को निर्देशित दिया गया है। कोई भी कानून तोड़ने के बाद बचेगा नहीं, वो जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ चार्जशीट भी लगेगी।